पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोड़ी आश्रम ट्रस्ट के तत्वावधान में तृतीय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ट्रस्ट के पदाधिकारीगण और सदस्यों के द्वारा एक सभा आहूत की गई, जिसका आयोजन पार्क स्क्वायर के रेस्टोरेंट में किया गया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम को किस प्रकार प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य रूप से मनाया जाए, इस पर सभी ने अपने अपने सुझाव रखे। तृतीय स्थापना दिवस 26, 27 और 28 अप्रैल को मनाया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत पंडित राजकुमार गोस्वामी एंड पार्टी के द्वारा 26 अप्रैल को शाम 6 बजे से खाटू श्याम संकीर्तन माता की चौकी और सुंदर झांकियां, 27 अप्रैल को शाम 6 बजे से सुंदर गान पाठ और भजन के साथ राम दरबार की सुंदर सुंदर झांकियां रहेंगी। तो वहीं 28 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। सम्मान समारोह और विशाल भंडारे का आयोजन प्रभु इच्छा तक किया जाएगा। काशी बनारस से पधारे आचार्य डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी के द्वारा समस्त पूजन और आयोजन किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भक्तों के आने की संभावना है। सभा की अध्यक्षता डॉक्टर संदीप राज के द्वारा की गई। सभा में उपस्थित रहे अनिल कुमार शर्मा, डॉक्टर संदीप राज, संदीप गगनेजा, विनोद राय, प्रदीप कुमार गुप्ता, नितिन गुप्ता, गौरव अग्रवाल, परीश सक्सेना, संजीव कपूर, अशोक सिंह, नितिन गुप्ता, अंकित चौहान, जयदेव यादव के साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारा कार्यक्रम श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोड़ी आश्रम का तृतीय स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि 26, 27 और 28 को आयोजित किया जा रहा है। मेरे सभी हनुमान भक्तों, राम भक्तों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक कार्यक्रम में पहुँचें और धर्म लाभ कमाएं। जय श्री राम। हमारा श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोड़ी आश्रम का वार्षिक कार्यक्रम, स्थापना दिवस का कार्यक्रम 26, 27, 28 अप्रैल को होना तय हुआ है। इसमें प्रतिदिन जागरण और प्रसाद की व्यवस्था है। इसमें सभी अपने सदस्यों से, अपने संरक्षकों से और समस्त राम भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हमारे अपने कार्यक्रम को सफल बनाए। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोड़ी आश्रम के तत्वधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम जो होने जा रहा है, तृतीया स्थापना दिवस के रूप में हम मना रहे हैं आश्रम पर 26 तारीख, 27 तारीख और 28 अप्रैल को भव्य जागरण और इसमें व्यवस्था रखी गई है। 28 तारीख को जो हमारा होगा विशाल भंडारे का आयोजन वहाँ किया जाएगा। 5 कुंडी एग होगा पहले, उसके बाद पूर्णाहुति के बाद भंडारा सुराम किया जाएगा। आज जो रूपरेखा बनी यहाँ पर, सब लोगों को जिम्मेदारी अपनी अपनी बांटी गई हैं। इस कार्यक्रम को हम किस तरह से और जो हमारी कमियाँ बितर रही हैं भव्य तरीके से मना सकें, उसको लेकर आज हम सब लोगों ने हम बैठ के मीटिंग करी है और अपने सबने अपने अपने विचार रखे हैं। उस विचार को विमर्श करते हुए हमने आगे की रूपरेखा पूरी बनाई है। आने वाले कार्यक्रम को सबसे यही कहेंगे कि जो हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है, 22 तारीख को हम अखंड रावण का पाठ भी आश्रम पर शुभारम्भ किया जाएगा और 23 तारीख को समापन के तुरंत हवन होगा, महायज्ञ के बाद भंडारा किया जाएगा, 23 को भी भंडारा किया जाएगा और 3 दिवसीय कार्यक्रम वो रहेगा। हम तो सभी से ये कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में सब लोग आप सादर आमंत्रित हैं और बाबा का इस कार्य को, पुण्य कार्य के लिए सब लोग तन मन धन से अपना सहयोग करें और सब लोग आएँ और बाबा के ग्रहण प्रसाद ग्रहण सब करें और सबको बाबा अपनी इच्छाएं सबकी मनोकामना पूर्ण करें, बाबा सबका अपना कार्य उन्नति पे करें। जय श्री राम, जय बाबा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।